संजय मांजरेकर ने कमेंट्री पैनल से हटाए जाने पर रद्दअमल का इजहार करते हुए कहा कि शायद बीसीसीआई मेरी कारकर्दगी से खुश नहीं था। संजय मांजरेकर ने सोशल मीडिया पर बात करते हुए कहा कि वो बीसीसीआई के बैन अल-अक़वामी मैचों और इंडियन प्रीमियर लीग के लिए अपने कमेंट्री पैनल से बाहर जाने के बाहिर फैसले का एहतराम करते हैं। साबिक हिंदुस्तानी क्रिकेटर और मुबस्सर संजय मांजरेकर ने इतवार के रोज कहा कि वो हिंदुस्तान में बैन अल-अक़वामी जिम्मेदारियों के लिए अपने कमेंट्री पैनल से दस्तबरदार होने के बोर्ड ऑफ कंट्रोल ब्राय क्रिकेट के फैसले को कबूल करते हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक संजय मांजरेकर को बीसीसीआई के कमेंट्री पैनल से बाहर निकाल दिया गया था और वो हिंदुस्तान और जनूबी अफ्रीका के माबैन पहले वनडे मैच में धर्मशाला में मौजूद नहीं थे, जो कि जुमेरात को बारिश की वजह से रोक दिया गया था। संजय मांजरेकर ने ट्विटर पर लिखा कि मैंने तबसरे को हमेशा एक बहुत बड़ा इस्तेहकाक समझा है, लेकिन कभी खुद को इसका हकदार नहीं समझा। मैं हमेशा बीसीसीआई के फैसलों का एहतराम करता रहूंगा। हो सकता है कि बीसीसीआई मेरी कारकर्दगी से खुश ना हो, मैं इसे पेशा वराना हैसियत से कबूल करता हूं। संजय मांजरेकर, जो कि 2019 के वर्ल्ड कप समेत बड़े टूर्नामेंट्स में बीसीसीआई की कमेंट्री पैनल में मुस्तकिल तौर पर मौजूद रहे हैं, अब उनको इस ओहदे से हटा दिया गया है। ये सब उस वक्त शुरू हुआ जब संजय मांजरेकर ने आर्टिकल 370 की मुखालफत करते हुए इंसाफ और बराबरी की बात की। संजय मांजरेकर उन चंद भारतीय शख्सियात में से जिन्होंने इस कानून को काला कानून करार दिया और फौरी तौर पर खत्म करने का मुतालबा भी किया। संजय मांजरेकर की बरतरफी की एक वजह इंग्लैंड में वर्ल्ड कप के दौरान हिंदुस्तान के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को बिट्स एंड पीसेस क्रिकेटर कहना भी बताई जा रही है। रविंद्र जडेजा ने एक ट्वीट के साथ जवाब देते हुए कहा कि इसके बावजूद मैंने आपसे दुगने मैचेस खेले हैं और मैं अभी भी खेल रहा हूं। आप उन लोगों का एहतराम करना सीखें जिन्होंने कामयाबी हासिल की है। वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड को भारत के सेमीफाइनल में ऑलराउंडर जडेजा की 70 रन की जबरदस्त इनिंग के बाद संजय मांजरेकर ने रविंद्र जडेजा से माजरत कर ली। मांजरेकर ने सेमीफाइनल मैच के बाद होने वाले एक शो के दौरान कहा कि जडेजा को इससे पहले हमने कभी यूं नहीं देखा था, वो आज बहुत अच्छा खेले हैं। मुझे उनसे माफी मांगनी चाहिए, वो मुझे ढूंढ रहे थे लेकिन मैं वहां मौजूद नहीं था, बल्कि मैं खाना खा रहा था। मुझे अफसोस है कि मैंने उनके लिए ऐसे अल्फाज कहे। दूसरी जानिब चेन्नई सुपर किंग्स, जिनके लिए रविंद्र जडेजा आईपीएल में खेल रहे हैं, उन्होंने बीसीसीआई के कमेंट्री पैनल से उनकी बरतरफी की इतलात के बाद मांजरेकर को आड़े हाथों लिया। चेन्नई सुपर किंग ने हफ्ते के रोज एक ट्वीट में कहा कि अब बिट्स और पीसेस को ऑडियो फीड के दौरान सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी।